उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम पर दो पासपोर्ट के मामलों में स्पेशल MPMLA कोर्ट में सुनवाई की गई है। अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामलों में पासपोर्ट ऑफिसर का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें डिफेंस अधिवक्ता की ओर से जिरह की गई है। इस मामले में अदालत ने कार्रवाई की तारीख 21 तारीख को दी गई है। वहीं शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पासपोर्ट के प्रकरण में कोर्ट में जिरह चल रही है। इसके साथ ही अब्दुल्ला दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 16 मई को सुनवाई होनी है, उसमें भी एक बैंक कर्मी की गवाही होनी है। कोर्ट में शुक्रवार को पासपोर्ट अधिकारी की गवाही हुई है। वहीं इस मामले में अब कोर्ट ने 21 मई को तारीख दे दी, जिसमें आगे की सुनवाई होना बाकी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामलों में MPMLA के कोर्ट में मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल में सुनवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान कोर्ट में हाजिर हुए। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने गवाह पासपोर्ट अधिकारी से जिरह की है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर एडवोकेट अरुण प्रकाश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ पंजीकृत थाना सिविल लाइन में क्राइम नंबर 594/2019 में प्रोसिक्यूशन की ओर से गवाही चल रही है। यह दो पासपोर्ट से संबंधित मामला है, जिसमें पासपोर्ट ऑफिसर का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। उनसे विस्तृत तौर पर जिरह की गई है, जिसमें जिरह को जारी रखा गया है और इस पूरे प्रकरण में कोर्ट ने अगली तारीख 21 मई को तय कर दी है। इसके अलावा 16 तारीख को बर्थ सर्टिफिकेट वाले मामले में एक बैंक कर्मचारी की गवाही होनी है। कोर्ट में केस के प्रोसेस को लेकर पासपोर्ट अधिकारी के जिरह की कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण जिरह 21 मई को है, जिसमें इस पूरे प्रकरण की आगे की सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।